यस सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? बढ़िया है सर। कुछ और इम्प्रूवमेंट हुआ? इम्प्रूवमेंट ठीक है, बढ़िया है। इम्प्रूवमेंट मतलब चेंजेस और कुछ नहीं है, लेकिन रूटीन ठीक है। आई मीन मोशन वगैरह भी टाइम पे था, नींद भी अच्छी आई थी और यूरिन भी पहले से ज्यादा है। अच्छा, ठीक था। ओके, अभी 3 बार हो गया। अच्छा अच्छा, सुबह से 3 बार हो गया। और पेट पे पानी लग रहा है या लग रहा है कि ठीक हो रहा है? हाँ, थोड़ा कम लग रहा है क्योंकि मोशन भी मुझे 2 बार हुआ ना। अच्छा, तो थोड़ा लाइट फील हो रहा है मुझे। ओके, नींद वगैरह अच्छा आया था? हाँ, नींद अच्छी आई थी, डायरेक्ट सुबह ही खुली अलार्म बजे। अच्छा ठीक है, मतलब खाना भी ठीक चल रहा है, सब ठीक ही चल रहा है ना? हाँ, वही रूटीन है जब आपने बताया था, वही मैं फॉलो कर रही हूँ, उसको डिस्टर्ब नहीं किया मैंने। मतलब कल करीब 15 बारी वॉक एंड रेस्ट हो गया था? नहीं हुआ था, 13 टाइम हुआ। ठीक है, वो भी ठीक है। मुझे नींद आने लगी थी खाना खाने के बाद, मैंने वॉक नहीं किया। नहीं ठीक है, ठीक है, मतलब आपको नींद भी अच्छा आ रहा है, आपका पेट भी साफ हो रहा है, यूरिन भी ठीक है, तो होपफुली हो जाना चाहिए 2-4 दिन में। और हाँ, मतलब वैसे मैं वॉक कर लेती हूँ, खाना खाने के बाद भी 1-2 राउंड हो जाता है, तो वो तब पहुँच जाता है, लेकिन वो कल मुझे नींद ही आने लग गई थी। मैं नहीं, 2 बारी में कोई फर्क नहीं पड़ता, 12, 13, 14, 15 सब ठीक चलता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है, कल आपके एक अनदर आर्थराइटिस पेशेंट को सुना मैंने। हाँ, उनका फर्स्ट टाइम फोन आया था कल। हाँ, उनका कल दोबारा फोन आया था, मोस्ट लाइकली आपका वीडियोस वगैरह भी देखा होगा उन्होंने। अच्छा, तो उसके बेसिस पर उनको लगा होगा कि इम्प्रूवमेंट होता है, तो उनका फोन तो पहले मेरे ख्याल से काफी पहले आया था, पर सीरियसली नहीं शुरू किया होगा उन्होंने। अच्छा, तो अभी सुनने के बाद तो बेसिकली क्या है कि एक बार लोग को भरोसा हो जाए ना, भरोसा होना बहुत मुश्किल होता है। राइट, आपने कर लिया भरोसा, अदरवाइज लोग तो ऐसी सिचुएशन में पैनिक करते हैं ना। हाँ, क्योंकि वो रीजन पे नहीं जाते ना, लॉजिक भी यूज नहीं करते हैं, इसलिए। और फिर सीरियसली रूटीन फॉलो करके कोई ठीक हो जाएगा ऐसा भी यकीन नहीं करते हैं। और कुछ चेंजेस नहीं लग रहा ना आपको पीरियड्स के लिए? हाँ, उसमें तो कोई चेंज नहीं लग रहा है। इनफैक्ट मैं कल एक और दूसरे लाइन पर सोच रहा था कि कैंसर का भी इलाज इसी से होना चाहिए। किस चीज का? कैंसर का, सभी तरीके के कैंसर का भी इससे इलाज होना चाहिए, वॉक एंड रेस्ट और इससे हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन से। उसका कारण एक लॉजिक दूसरा ये था कि जब कैंसर होता है ना किसी को, तो उसका जो लास्ट स्टेज होता है, तो उस लास्ट स्टेज में सभी को एसाइटिस भी होता है। अच्छा, हाँ, तो वो इसीलिए तो मेरा भी टेस्ट हुआ ना उसका। अच्छा, बायोप्सी हुआ है? क्योंकि ये 2-3 बायोप्सी नहीं हुआ, 2-3 कारणों से एसाइटिस होता है ना। एक तो लिवर ही वजह नहीं होती है, टीबी टेस्ट भी हुआ, और ये कैंसर का जो टेस्ट होता है वो भी हुआ। नहीं, मेन कारण तो टीबी होता है, सॉरी टीबी कह रहा हूँ, लिवर ही होता है। हाँ, वगैरह का अगर हो जाए तो वो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है, टीबी का रीजन अलग होता है। अदरवाइज टीबी इज इंफेक्शन काइंड ऑफ बैक्टीरिया होता है, और टीबी का और इसका होता है, क्या कहते हैं, एक और होता है टेस्ट टीबी के साथ में, एड्स वगैरह का भी करते हैं लोग यूजली। बट इसमें एसाइटिस में मेन रीजन तो इसी का रहता है। बट आई वॉज लुकिंग एट अदर एंगल, मैंने कल वैसे सर्च किया गूगल में कि जो कैंसर होता है, और कैंसर के अलावा जब ट्रीटमेंट करते हैं इसका, कीमोथेरेपी करते हैं, सर्जरी करते हैं या रेडिएशन करते हैं, तो इसमें जो पीरियड्स की प्रॉब्लम हो जाती है, मेनोपॉज हो जाता है लोगों को, और या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो जाता है मेल्स में, तो बेसिकली सेक्सुअल हेल्थ एकदम खत्म हो जाती है उसके बाद। अच्छा, और क्योंकि मतलब ट्रीटमेंट के बाद में भी खत्म होता है, पहले भी होता है, जिनको पहले कम होता है फर्क उनको उसके बाद में, ट्रीटमेंट के बाद में हो जाता है, तो इसका मतलब है कि वो ट्रीटमेंट सही नहीं है, क्योंकि हमारे ट्रीटमेंट में वो भी ठीक हो जाता है। हाँ, अच्छा, और इस ट्रीटमेंट मतलब जो दूसरा ट्रीटमेंट होता है उसमें वो और प्रॉब्लम बढ़ जाती है उसकी। तो इसका मतलब है कि वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है सर्जरी कीमो वगैरह वो भी कहलाता है। बिल्कुल कहलाता है कि एक प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम आ जा रही है उनमें, तो फिर समझो। तो इसमें तो मतलब मेरे पास एक नहीं है, 100% रिकॉर्ड है कि ये ठीक होता है, इससे सब कुछ पीरियड्स का भी ठीक होता है जिनको मेनोपॉज। और दूसरी चीज ये है कि जो सेक्सुअल हेल्थ होती है वो एज रिलेटेड होती है कि एज के साथ तो सबको प्रॉब्लम होती है। और कैंसर भी एज रिलेटेड होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है कैंसर का रिस्क बढ़ता जाता है। तो कहीं ना कहीं डॉट्स मिलते हैं, कनेक्ट होता है दोनों चीजें। अच्छा अच्छा, चलिए देखिए आपका कब तक पूरे तरीके से ठीक होता है। मतलब अब 4-5 दिन हो गए ना, 5 दिन? हाँ शायद अगले 4-5 दिन में होना चाहिए, सब ठीक होना चाहिए। हाँ चलिए ठीक है। और कुछ बताइए। हाँ ठीक है सर। आपने मुझे नॉन वेज खाने के लिए तो खैर मैं खा नहीं रही, कैसे एग खा सकती हूँ क्या सर मैं? नॉन वेज के लिए कुछ मना नहीं किया मैंने, तो कुछ दिनों के लिए मना किया है, सिर्फ हफ्ते भर के लिए। हफ्ते भर के लिए? हाँ हफ्ता 15 दिन का होता है कि आपका जो डाइजेशन है इम्प्रूवमेंट नहीं होता, काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई होती है, ये काफी ज्यादा सीरियस होता है। तो नॉन वेज के लिए तो अभी थोड़ा सा अवॉइड करो, पर प्रोटीन वगैरह इन द फॉर्म ऑफ दाल वगैरह तो आप लेते ही होंगे ना? हाँ तो अभी वेज का ही प्रोटीन का रखो थोड़ा सा इनके, ठीक है? मत करो अभी 15 दिन तो कम से कम वेट करो, फिर उसके बाद भी धीरे धीरे लेना शुरू करना। उसके बाद तो एग को छोड़ो, आप कुछ भी खा लेना, चिकन वगैरह भी चलेगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, थोड़ा इम्प्रूव हो जाए। हाँ थोड़ा सा वेट कर लो। ओके ठीक है सर। ओके ओके, थैंक यू।